सर ये 2010 में सैलाब आया, उससे पहले हम एक देहात है मौजा सबदुजा, उसमें रहते थे, हमारे कच्चे मकान थे। जब पानी आया तो मकान गिर गए। हमारी माली हालत पहले भी अच्छी नहीं थी, उसके बाद और भी खराब हो गई। जब सैलाब आया था तो अचानक ही पता चला था, पहले से तो कभी किसी को पता नहीं था। जब आया तो हम लोग समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। कुछ अर्सा पहले कुछ परेशान थे भाई, इसलिए हमारे घर गिर गए हैं, हमारे क्या बनेगा क्या होगा। 2010 में उधर हम खुश थे, 2010 में सैलाब आया, सैलाब में हम इधर टिब्बे थे बड़े बड़े, उधर आके बैठ गया। 2010 yılı Ağustos ayında zihinlere kazınan görüntüler, yaşayanlara dünyanın sonu mu dedirten dehşetli bir felaket. Yıkım, kayıp, gözyaşı, ayakta kalma, hayata tutunma çabaları ve yardım arayışları. सर ये 2010 में सैलाब आया, उससे पहले हम एक देहात है मौजा सबदुजा, उसमें रहते थे, हमारे कच्चे मकान थे। जब पानी आया तो मकान गिर गए। हमारी माली हालत पहले भी अच्छी नहीं थी, उसके बाद और भी ख़राब हो गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुर्की वाले हजरात ने ये कॉलोनी बनाई। पहले हम बहुत रहना बहुत मुश्किल है, कच्चे मकान होते थे, बिजली का मसला होता था, बिजली बहुत आती जाती थी, ज़िंदगी बहुत टफ थी। लेकिन अब यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ पे हर सहूलत है, बिजली भी है, हर चीज़ है। तो अब हमारा पिछला जो घर था उसकी कोई दीवारें वगैरह सब टूट फूट का शिकार है, क्योंकि सब को टूटा फूटा हुआ है। जब इस सैलाब से पहले हम उधर परेशान थे, कुछ अर्सा पहले कुछ परेशान थे भाई, इसलिए हमारे घर गिर गए हैं, हमारे अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुर्की वाले हजरात ने ये कॉलोनी बनाई, और हमें हमारी खुशकिस्मती है उन लोगों की, हमें मेहरबानी है कि हमें इधर मकान मिल गए, कि आप लोगों की दुआओं से कि हमारी पर ये उन्होंने एहसान किया है कि इधर छत मिल गई है, सुकून से बच्चे पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। जी 2010 में जो सैलाब आया था उस दर हम हमारी गवर्नमेंट समी गवर्नमेंट मुजफ्फरगढ़ ने दरख्वास्तें मांगी थी, हमने उनको दरख्वास्तें दी तो उन्होंने कुरानदाजी की, जिन जो लोगों के नाम आ गए कुरानदाजी में उन लोगों को यह मकान दिया गया। और जो भी लोग रह गए वो अच्छे अखलाक से इधर रहते हैं, एक दूसरे की हमदर्दी करते हैं। Binlerin can verip milyonların etkilendiği bu büyük afetten sonra Pakistan'ın yarasını sarmak için kalıcı bir şeyler yapmak gerekti. Selden önceki şartları sağlamak, belki daha fazlasını. Hamari khush kismati hai un logon ki, hame meharbani hai ki hame idhar makan mil gaye. Ab hum idhar aa gaye, 2 saal ho gaye hain. Alhamdulillah hamare chhat maujood hai aur hamare chote chote bacche hain, idhar khush reh rahe hain aur un logon ko duaen de rahe hain. ये बाहर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे घर दिए हैं, वाकई हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत खुशी से काम करते हैं। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका शुक्र गुजार हूँ, और अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, सुबह दुकान पर 5 बजे या 6 बजे आते हैं, शाम को 7 तो 8 बजे बंद करके चले जाते हैं। इधर शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, बे अच्छे खुशहाली के लिए, बे खूबसूरत घर बने हुए हैं, खूबसूरत कॉलोनी बनी हुई है, इसलिए सैर तफरी के लिए भी चले आते हैं। मकान मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, 4 दीवारी अच्छी है, और रिहाइश सुकून से हम आते हैं, वाशरूम के लिए भी सुकून से, सारा माहौल इधर अच्छा है। कैम्स जोखमी का शुक्रिया, अगर ये मकान हमें ना मिलते तो हमारे घर की 4 दीवारी नहीं थी, गिर गई थी सब कुछ।
insan içgüdüleriyle değil, İkbal'in dizelerindeki gibi aklın tutuşmasıyla, acı çeken yürekle ortaya koyar farkını. Adeta hayatı süpüren bir afetin ardından, organizasyon kabiliyetiyle kardeşlerinin yanına varıp yeni bir yaşam alanı inşa eder onlar için. Tekrar yeşeriyor İkbaliye'de. Seyyar satıcılar dolaşıyor sokak aralarında. Makaslar işliyor, saçları kesiliyor insanların. Kepenkler açılıyor, tezgahlar hazırlanıyor, dükkanlar müşteri bekliyor. Afetten önceki gibi. Herkes yaşamın bir kenarından tutunmak durumunda. Kabiliyeti, imkanı ve sağlığı nispetinde. Cafer Abbas. Ayağındaki rahatsızlık belki biraz kısıtlıyor onu. Fakat sapasağlam bir yüreği var. Yeni kasabasında helal kazanmanın derdiyle gün boyu sokak sokak rızkını arıyor. Birlikte yaşadığı annesi ve yeğenleri için canını dişine takıyor seyyar tezgahıyla. फैमिली के छह बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी रेड़ी लगाता हूँ मैं, थोड़ी बहुत मजदूरी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी दे देता है, रोटी खाता हूँ, मेरी एक वालदा है, एक हमशीरा है और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, स्कूल पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पर आ गए हैं। सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के अपनी रेड़ी लगाता हूँ, रेड़ी लगा के चला जाता हूँ, थोड़ी बहुत मजदूरी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी दे देता है, रोटी खाता हूँ, मेरी एक वालदा है, एक हमशीरा है। उस्तालık gerektirir elbet, makas sallamak. Salman Dahani, evine elinin emeğiyle ekmek götüren kasabanın maharetli berberi. जो भी मार्केट भी है, इस मार्केट में मैं शुक्र ताला अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें मिली है, इसके लिए शुक्र गुजार हैं कि हमारे घर के वसायल या बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर भी यहीं हैं और किराना स्टोर भी, और कुछ चीज़ ज़रूरत की कोई चीज़ भी हो यहीं मिल जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चार बच्चे हैं, एक बड़ा स्कूल जाता है, उसका नाम है मोहम्मद तनवीर, उसके बाद छोटा है मोहम्मद कदीर, वह भी छोटा है, उसके बाद छोटा है मोहम्मद हसी, वो भी छोटा है। Hep mi böyledirler, yoksa yaşadıkları sıkıntılar mı onları bu kadar olgunlaştırdı diye düşünmeden edemiyor insan. Şükür ve tevekkül yüzlerinden okunuyor sanki. Yedi çocuğu var oysa kırtasiyecinin, onların eğitimi, giyim kuşamları ve tabii gelecek planları. Kırtasiyeden temin edilen nafaka, yüzlerini güldürmeye yetiyor. Geçmişin farkında olmak, belki bugünü daha iyi kavramanın anahtarı. Her vesileyle vurgulanıyor kasabanın ne büyük bir nimet olduğu. Hamari khush kismati hai un logon ki, hame harbani hai ki hame idhar makan mil gaye. Ab hum idhar aa gaye, 2 saal ho gaye hain. Alhamdulillah hamare chhat maujood hai aur hamare chote chote bacche hain, idhar khush reh rahe hain aur un logon ko duaen de rahe hain. अभी कोई मसला इतनी नहीं है, रोज़गार भी इधर दुकान एक छोटी सी मिल गई है, उससे रोज़गार भी हासिल हो जाता है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई तकलीफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर मेरे पांच बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं, एक मेरा बड़ा बच्चा वो MBBS कर रहा है लाहौर में, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में,
दूसरा बच्चा भी इधर पढ़ रहा है, एफएससी कर रहा है, दो छठी में है इधर। मेरा नाम शाइस्ता है, मेरे अबू का नाम शबीर हुसैन है, मेरे पांच भाई हैं, मेरे टीचर का नाम टीचर बुशरा है और मेरे सर अब्दुल, मेरे सर का नाम सर अब्दुल बासिद है और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं तुर्की में जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और डॉक्टर बन के लोगों की हिफाजत करना चाहती हूँ। मैं केयर 24 में पढ़ती हूँ और पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे और फिर हमें तुर्की वालों ने अच्छे मकान दिए, अच्छे स्कूल दिए हैं। पहले हमें स्कूल भी इतने अच्छे नहीं मिले थे, ये बहुत अच्छे स्कूल हैं। Fark edilen ihtiyaçlardandır İkbaliye'de okul. Mevcut şartlar iyileştirilirken hemen yarını da hesaba katmalı insan. Sıradaki nesil anne babasından bir adım önde olmalı toplumun yoluna sıhhatle devam edebilmesi için. Okuldaki 300 öğrenci sadece sayısal bir veri değil, her biri yarın demek, umut demek. जब से हम इधर काम कर रहे हैं, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब तो बेहतर अल्लाह ताला ने रिज़्क मुझे दे दिया है। और भी कुछ लोग बाहर के भी आते हैं इधर, कॉलोनी के भी इधर रियाज करते हैं, साफ सुथरा माहौल है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। Kiminin gözlerinde belki dünün acısı, kiminin gözlerinde ise bugünün tazeliği, yarının ümidi. Hemen hepsinin zihninde de bu sıcaklığın ulaştığı ülkeye, Türkiye'ye açılan bir koridor. ...2014'de जब स्कूल के पहले दिन क्लासेस का आगाज किया गया तो 148 बच्चों का दाखिला किया गया, जो तादाद बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता 250 तक गई और अब अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी तादाद 265 तक जा पहुंची है। वो स्कूल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और केएमसी योगमू की तरफ से केयर फाउंडेशन के इदारे को दिया गया। केएमसी योगमू और केयर फाउंडेशन का ये जो रिलेशन है ये हमेशा ताहियात रहे, जैसे पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती है इसी तरह केएमसी योगमू और केयर फाउंडेशन की दोस्ती एक मिसाल दोस्ती रहेगी। Dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, defterin, kitabın sıraya yakıştığı gibi en çok okula yakışır çocuklar. Heyecanla parmak kaldırdıkları, güldükleri, bahçesinde oynayıp dersliklerinde yarın hazırlandıkları bir okula. Kimse yok mu? Cumhuriyet Vakfı işbirliğiyle yüzlerce çocuk Pakistan'ın geleceğine gülümsüyor. I am Bushra और यहाँ मैं सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाती हूँ
तो उसमें हमारा इसमें स्कूल बनवा के दिया, ना एक जस्ट स्कूल और बल्कि एक बहुत प्यारी मस्जिद भी तमीर करवा के दी और बहुत सारे हाउसेस भी यहाँ पे बनवा के दिए। सब्जेक्ट वाइज टीचर मुहैया किए हैं ताकि हम अपने बच्चों को साइंसी उससे जदीद एजाद से उन चीज़ों से भी बच्चों को रोशनास करा सकें। बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं और पढ़ाई में भी ग्रूमिंग उनकी बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा जो है आप जानते हैं जैसे कि बच्चे जो हैं थोड़े बैकवर्ड एरिया से हैं, ये रिमोट एरिया है, तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं बेटर इनका फ्यूचर हो। अगर अच्छे तरीके से एजुकेट होंगे तो दे विल बिकम अ आर्मी ऑफिसर और दे विल बिकम अ लॉयर, ये बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं और हम इनके फ्यूचर के लिए ही मुसलसल जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिर जिसका हेल्प हो, जो लोग इनको हेल्प आउट कर रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है उनके साथ, कि इनका वहाँ पर जाना भी अच्छा है, ये ज़रूर जाएं और वहाँ पे जाकर अपने अपनी कंट्री का अपने पेरेंट्स का नेम रोशन करें। बच्चे जो मतलब जो फ्लड डिज़ास्टर जितने भी विक्टिम्स थे वहाँ के बच्चे थे वो मतलब इतने वेल एजुकेटेड एंड वेल मैनर्ड नहीं थे, उन्हें अवेयरनेस के बारे इवन उन्हें एजुकेशन के बारे में भी पता नहीं था, वो इस तरह के मुख्तलिफ किसी भी एक्टिविटीज़ को वो नहीं जानते थे। उसमें बच्चों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी, मैं इसके साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे लाइक दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई हैं, इनको हम काफ़ी हद तक पहले से 2010 से लेकर अब 2015 के एंड तक 99% जो है इनमें हम तब्दीली ले आए हैं और इनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल सबसे बेसिक जो है हम इनको वैल्यू एजुकेशन दे चुके हैं। Gözlerini ufka dikip yarını düşleyenler için modern bir yaşam alanını tamamlıyor İkbaliye'de. Okulla birlikte ibadethane. Türlü sıkıntıdan çıkışın, dar zamanlardaki umutlu bakışın ilhamını veren ve her halükarda karamsarlıktan uzak durmayı öğütleyen dinin mabedi. Ailesiyle birlikte selden sonra inşa edilen konutlarda yaşayan kasaba sakinlerinden İkbaliye Camii imamı, hayal bile edilemeyecek bir yerde yükselen mabedin kasaba için nasıl da nimet olduğunun fevkalade bilincinde. Hasusen kim yok mu valone? हमारे लिए ये जो मस्जिद बनाई है ये एक सेंटर है। वैसे तो ये यूँ समझें कि एक जंगल ही था, स्कूल भी है, स्कूल के अंदर भी काफ़ी अच्छी तालीम है माशाल्लाह, बच्चे वहाँ पे तकरीबन 300 के करीब वहाँ पे हैं और 300 के करीब हमारे पास आते हैं। जिस टाइम में स्कूल ख़त्म हो जाता है तो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, सुबह नमाज के बाद एक घंटा आते हैं बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने सौंप दिया है हमें, सारा कुछ दिया है, घर भी दिए हैं और माहौल भी साफ़ सुथरा दिया है, कॉलोनी भी साफ़ सुथरी है, मस्जिद भी है, बहुत सारी बड़ी मस्जिद है और आलम भी रखे हुए हैं, कारी साहब हैं, अलामा साहब हैं। Ben yolu sormuyorum, arkadaş arıyorum. Nasıl demişler? Evvel arkadaş, sonra yol. Allame Muhammed İkbal'in düşlerinin bir ölçüde gerçekleşmeye başladığı yer sanki bu kasaba. Okuldan çıkan çocukların arkadaşlarıyla cami yoluna düştüğü İkbaliye, dersliklerde dünyaya, kainata dair aydınlanmaya, camide de o tertemiz zihinleri iyice parlatan, Kur'an ışığına doğru atılan adımlar.
मतलब लोग इनको अपनी बातें बताते हैं, ऐसे समझो कि उनका मर्जी हल्का हो जाता है, और ये इनकी पुरखलूस मेहनत के बदौलत है ये चीज़ें कि बार बार आना, चक्कर लगाना, यहाँ के मसाइल सुनना, फिर उनको हल करने की भी भरपूर कोशिश करना, बल्कि हल हो ही जाते हैं, तमाम तर हल ही हो जाते हैं कि इन हजरात ने बनाई है। बनाने के बाद जब तकसीम का मरहला आया है तो ये खुद यहाँ पर बैठे हैं। Pakistan'da Kimse Yok Mu organizasyonunu, dolayısıyla Türkiye'yi ayrı bir yere oturtan biraz da bu kasabanın varlığı. Çünkü İkbaliye bir afet sonrası yetişip acıya ortak, yaraya merhem olmanın ötesinde yarını inşa etmek için atılan bir adım. Çocuklar, insan ağacının fidanları eğer gülümsüyorsa umut ormanı yakın demektir. En ağır felaketlerden sonra bile. जो पहली बात है ना जी, तो वो ये है कि हमने अपने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया है, ठीक है ना जी। हम अपने इस्लामी असूलों पर नहीं चल रहे। झूठ फरेब ये चीज़ हमारे में आ गई है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाता है। अगर हमें हमारा ईमान हो और हम ईमानदारी से काम करें तो कोई बात नहीं है कि हम उन लोगों से भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। पहले हम बहुत रहना बहुत मुश्किल है, कच्चे मकान होते थे, बिजली का मसला होता था, बिजली बहुत आती जाती थी, ज़िंदगी बहुत टफ थी। लेकिन अब यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ पे हर सहूलत है, बिजली भी है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पढ़ लिख जाऊँ और यहाँ के लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा मदद करूँ। यानी मैं है ना इस किस्म का काम करना चाहती हूँ कि मैं सबके काम आऊँ, ठीक है। अगर मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह सबका काम, सबके लिए, सबकी मदद करूँगी। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना दोबारा मकान बनाता और मकान में रिहाइश करता। इधर हम आके बहुत खुश हैं। मैं एक कुंवारा हूँ तो मुझे मकान नहीं मिला, मेरी वालदा को मिला है, तो मैं इधर वालदा के साथ रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने आसान एहसान चुकाने के काबिल भी नहीं जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, हमारे सोच से बहुत ज़्यादा दिया है। जो भी शादी किसी को इधर होती है वो खुशियाँ वगैरह पटाखे वगैरह करते हैं, और छोटी बड़ी ईद भी होती है वो खुशियाँ मनाते हैं, और तुर्क वाले का भी और अल्लाह ताला का भी। अल्लाह ताला ने सबब बनाया है, तुर्क वालों ने हमारे पास यह इमदाद की है। Bazen ayırır, bazen de birleştirir. Pakistan ve Türkiye için öyle derin analizler, ayrıntılı değerlendirmelere gerek yok. Kurtuluş Savaşı yıllarına ait hisli hatıralar bugün iki ülkenin zihninde hala canlı. Acının da birleştirdiği, buluşturduğu bir dönemde kurulan köprü, dualarla pekiştikçe pekişiyor. लेकिन किम्स वालों पर अल्लाह ताला रहमत करे, किम्स योकमो वालों पर, कि इन हजरात ने बनाई है। बनाने के बाद जब तकसीम का मरहला आया है तो ये खुद यहाँ पे बैठे हैं। इसके अंदर इस जैसी मस्जिद नहीं बनी हुई, इतनी खूबसूरत, मजबूत और माशाल्लाह बड़ी। इसके अल्लाह ताला इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। इधर ही आए हैं, मेरा एक बच्चा MBBS में, उसको दाखिला मिला है लाहौर में। छोटे दो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें से भी एक बच्चा अच्छा है, मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला रहम करेगा वो भी डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह। इधर रहकर हम बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। मकान मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, चार दीवारी अच्छी है और रिहाइश सुकून से हम आते हैं, वाशरूम के लिए भी सुकून से, सारा माहौल इधर अच्छा है। कैम्स जोखिम का शुक्रिया। अगर ये मकान हमें ना मिलते
तो हमारे घर की चार दीवारें नहीं थी। जो जो इंसान का नसीब है, जिसको पूरा अंदाजी के साथ मिला है, वो मकान हमारे साथ रह रहा है, इधर हमारी रिहायश भी है, और इसके बाद शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे घर हैं, साथ बेहतर अच्छा माहौल है। İkbaliye. Artık annelerin cefakar yüzlerinde tebessüm çiçeklerinin de açtığı, babaların besmeleyle dükkanlarına vardığı ve sokaklarında çocukların doyasıya koşup oynadığı, yarın için umudun tekrar tekrar yeşerdiği bir huzur adacığı. Daha çok yüzler gülsün, gözler gönüller aydınlansın diye kimse yok mu?